नारियों को जागना चाहिए, नारियों जागो, अपने को पहचानो, डांडिया खेलो, है ना, समाज सेवा भी करो, डांडिया भी खेलो। हम लोग अग्रसेन महिला पीजी कॉलेज में हैं, अंदर मैं इसके प्रांगण में मौजूद हूं और यहां पे नारी शक्तियां हैं। नारी शक्ति संस्थान का ये आयोजन है, 10वां डांडिया उत्सव है और लगातार एक से बढ़कर एक हर साल में कुछ ना कुछ बेहतर किया है नारी शक्ति संस्थान ने। हमारे साथ कुछ नारी शक्तियां मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे, कितना मायने रखता उनके लिए इस तरह का आयोजन जो डांडिया उत्सव है और उनको कितना अच्छा लगता है इस तरह के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करना, उनसे बातचीत करेंगे। अक्सर महिलाएं घर में काम काज करती हैं, बच्चों को तैयार करना, पति के लिए खाना बनाना, सबका ध्यान रखती हैं और अगर वहां से फुर्सत मिल जाए तो इस तरह के आयोजन में आना कितना सुखद लगता है? बहुत ही ज़्यादा। और जैसे हम लोग घरेलू महिलाएं हैं तो हम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा ये अवसर आता है जो साल भर में एक ही बार आता है, तो हम लोग काफ़ी खुल के इंजॉय करते हैं और घर फैमिली वाले भी मतलब छूट दे देते हैं कि जाओ, एक दिन खाना ना मिल जाता है घर के पुरुषों को, आराम से हम लोग सारा सब कुछ घर पे मेंटेन करके आते हैं ताकि घर पे जाके ये शिकायत ना मिले कि मतलब घर का काम छोड़ के और बाकी एंजॉयमेंट हुआ, तो हम लोग घर और बाहर का एंजॉयमेंट जो भी है वो सारा मेंटेन करके और हम लोग यहाँ मस्ती के साथ एंजॉय करते हैं और काफ़ी फुल एंजॉय। 10वां डांडिया उत्सव है, अब तक आपने कितने में पार्टिसिपेट किया है? मैं ये दूसरा है मेरा। दूसरा? हाँ, कैसा लग रहा है दूसरी बार आई यहाँ? बहुत ही अच्छा, मतलब मैं पिछली बार तो पहली बार आई थी लेकिन ये मेरा सेकेंड है, तो मैं इस बार तो काफ़ी फुली इंजॉय के साथ मैं यहाँ मस्ती कर रही हूँ और सारी मेरी फ्रेंड भी यहाँ आई हुई हैं, तो फ्रेंड के साथ आप जाहिर सी बात है समझ सकते हैं कि कितना अच्छा लग सकता है, तो हम सारी बहनें एक साथ हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैम आप बताएं, ये जो डांडिया उत्सव है आप पहली बार आई हैं कि इससे पहले भी आ चुकी हैं? जी मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ और आजमगढ़ में इस तरह का आयोजन देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही इंजॉय किया मैंने। आपने डांडिया खेला? जी हाँ मैंने डांडिया खेला, बहुत मस्ती किया है यहाँ पे, मतलब अच्छा लग रहा है। क्या होगा? नारियों को जागना चाहिए, नारियों जागो, अपने को पहचानो, डांडिया खेलो, है ना, समाज सेवा भी करो, डांडिया भी खेलो और पूरा समाज का कल्याण। अच्छा माँ जी ये बताइए कि इस तरह का जो आयोजन आजमगढ़ में हो रहा है उससे हमारी महिलाओं में क्या परिवर्तन आया है? बहुत परिवर्तन आया है भैया, कम से कम नारियाँ आगे तो बढ़ रही है घर से निकल कर के, जैसे पहले लोग थे तो घर से निकलने नहीं देते थे। विभिन्न आयोजनों में नारियाँ हमारे सम्मिलित हो रही हैं और आयोजन में नारियाँ निकल रही हैं तो हमारे तो अपनी नारियाँ देश की आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ करके अपन नारियां देश को जाग जाएगी। नारियां देश की आगे बढ़ रही हैं, नारियां पुरुषों को पीछे छोड़ देंगी, देश में आगे जो नारियों का ही मुकाम होगा। क्या सोचना है आप डांडिया उत्सव में आई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा ये पहली बार है। पहली बार है आजमगढ़ में वो भी हो तो रहा है। कोई लेके आया है कि पता था पहले? नहीं कोई लेके आया है और पिछली बार पता भी चला तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाई। नहीं। तो आपने खेला डांडिया? हाँ बहुत। किस गाने पे आपने डांस किया डांडिया का? वो याद नहीं आ रहा, मिक्स था, मिक्स था। ये तो गुजरात का है मेन गरबा, मैं वहाँ पे मेरा पूरा बचपन ही बीता है गुजरात में। जी जी बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा खुशी आपको मिली? मुझे बहुत खुशी है, बेहद खुशी। आजमगढ़ में गुजरात? आजमगढ़ में गुजरात में देख रहे हैं। बिल्कुल आपकी सारी बिल्कुल आप ही का नंबर है बताएं। जी मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि ये जो यहाँ आजमगढ़ में जो डांडिया प्रोग्राम शुरू हुआ है वो नारी शक्ति से ही शुरू हुआ है और यहाँ सारी संस्थाएं करीब आती हैं, सिर्फ नारी शक्ति नहीं और भी लोग करवाते हैं और भी संस्थाएं कराते हैं। जी इसके बाद तो सारी संस्थाएं शुरू कर दी हैं और सारी संस्थाएं डांडिया करवा रही हैं पर ये शुरुआत तो नारी शक्ति ने की। तो 10वां है तो आप क्या शुरू से आ रहे हैं? साथ तो मैं आ चुकी हूँ, साथ में और इतना एक्साइटमेंट रहता है इसमें डांडिया में आने का कि जल्दी से ये साल भी दे और मुझे क्या पहनना है, कौन सा ड्रेस पहनना है, इसका एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो मतलब उस दिन घर के जो बाकी काम काज या शुरू से तैयारी करते हैं या सारे काम निपटा करके यहाँ आने की तैयारी करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं सारे काम भी निपटाते हैं, बस इतना एक्साइटमेंट रहता है, छूट गया तो छूट गया, आग की कर लूँगी, बस जाना तो जरूर है।
आज के कार्यक्रम में जाना जरूर है ना। तो आप बताइए, आप काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं कि आपका बचपन गुजरात में बिता, फिर यहाँ पे इस तरह का आयोजन और तरह तरह के परिधानों में महिलाएं एक साथ, लोग एक दूसरे से मिलजुल रही हैं, जो कि सालों साल किसी से मुलाकात भी नहीं हो पाता, इस तरह की भी चीज़ें एक साथ इतनी महिलाएं, किस तरह का फील हो रहा है? बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि घरों से महिलाएं निकल नहीं पाती हैं जल्दी। इस तरह का आयोजन होता है तो एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे से जान पहचान बढ़ती है, और भी तरह तरह की चीजें हैं जो हम सेल्फी पॉइंट भी बना। तो आप लोगों ने सेल्फी लिया? जी बिल्कुल लिया सेल्फी। अलग आप लोगों ने सेल्फी लिया क्या? आपने लिया बहन जी सेल्फी लिया आपने? हाँ हमने लिया। कितनी सेल्फियां निकाली आपने? पीछे हम लोग नहीं करते, वो सब तो सबसे पहले हो जाता है। सेल्फी सबसे पहले, सेल्फी लिया कि नहीं आपने लिया? नहीं, सेल्फी तो बहुत सारे लिए हैं, लेकिन यहाँ सेल्फी पॉइंट पे भी नहीं लिया। अच्छा, यहाँ पे महिलाओं के जो खाने पीने के भी बहुत सारे इंतजाम हैं, गोलगप्पे हैं और चाट है और दुनिया भर की चीजें हैं, चाउमीन वगैरह, तो सारा इंतजाम महिलाओं को ध्यान में रख करके किया गया है। एक्चुअली महिलाओं को ध्यान में रख के किया तो गया है, लेकिन पुरुष वर्ग भी इसमें पीछे नहीं रहते हैं, ठीक है। और मैं वो सारे आइटम देख के, मैं चूंकि 9 दिन की फास्ट हूँ, तो मैं वो सारे आइटम की तरफ मैं जा भी नहीं रही हूँ कि उधर क्या चीज़ें हैं, चूंकि ये जो फुल्की और चाट पकौड़ी लगी हुई हैं तो ये महिलाओं की पसंदीदा तो है ही हैं, और जितने लोग आए हैं मेरे ख्याल से सारे लोग खा के ही जाएंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनको इस आयोजन में आके कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है। मैम बताएं, पहली बार आई हैं आप, और भी कई बार आ चुकी हैं? नहीं नहीं, इसके पहले भी मेरा यहाँ पे आना हुआ है, ये मेरा तीसरा साल है इस प्रोग्राम में। इवन लास्ट ईयर मैंने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी किया था, तो वहाँ मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला था। फर्स्ट प्राइज? जी हाँ, पिछली बार डांडिया डांस कॉम्पिटिशन में बातों बात में जो पिछले विनर रहे हैं कार्यक्रम के, वो भी मिल गए। और इस बार मेरा मन था कि इस बार हम और लोगों को डांस करते हुए देखें, उसका भी मजा ले। करने का अपना मजा होता है, देखने का अपना मजा होता है, तो इस बार इस बार सिर्फ देखने के लिए आए हुए हैं कि तमाम आजमगढ़ की महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं। सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे केवल महिलाओं को ही एंट्री मिलती है, और दूसरी बात कि सुरक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगे, तो किसी तरह की कोई हिचक या परेशानी या कुछ इनसिक्योरनेस फील नहीं होती है, बहुत कॉन्फिडेंस महिलाओं की सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। और जो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं एकत्रित होती हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप होता है, काफ़ी पहले से ही लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि आज डांडिया उत्सव है, तो ये सारी बातें कितना मैटर करती है महिलाओं के लिए। हर त्यौहार जो होता है वो आपको एक नई स्फूर्ति, नई ताजगी और नया उत्साह देता है, तो हर त्यौहार जब आता है इसके लिए जो उल्लास और जो उससे एक नई एनर्जी आती है लोगों के अंदर, जैसे एक जो निरस्ता भरा जीवन है उससे अलग हटके, अपने डेली रूटीन के काम से थोड़ा अलग हटके एक नई चीज़। और नृत्य की जो परंपरा रही है महिलाओं का, शुरू से रुझान इस तरफ थोड़ा ज़्यादा रहा है, तो इस डांडिया के उत्सव के तहत जो लोग थोड़े से हेजिटेट भी करते हैं, थोड़ी शर्म महसूस करते हैं अकेले परफॉर्म करने में या स्टेज पे जाने में, वो खुल के यहाँ एंजॉय करते हैं। आप जाइएगा मत, आपसे भी और बात करनी है हमें। आप बताएं, आप पहली बार आई हैं, कैसा लग रहा है? हाँ, हमने काफी नाम सुना था इसलिए हम और आए देखने के लिए। पहली बार आप आई जी? हम तो आपने पार्टिसिपेट किया है बस ऐसे देखने आए? नहीं नहीं, मैं पार्टिसिपेट भी की हूँ ड्रेसअप में। अच्छा, किसमें डांस किया है, किस गाने पे आपने? हमने फर्स्ट स्टेज पे पूरे ग्रुप में, नहीं ग्रुप में ही मैं। अच्छा, ग्रुप डांस किया आपने? अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लगा। आजमगढ़ में ये जो आयोजन हो रहा है कितना जरूरी होता है, कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता था, मुझे नहीं पता था, लेकिन लेट से पता चला, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना आपको? साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी वजह से मैं यहाँ पे। पूनम तिवारी जी जो सचिव है नारी शक्ति संस्थान की, उन्होंने आपको आमंत्रित किया, तो क्या आप ये अनुरोध से? मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। अच्छा अच्छा, आप भी संस्था में हैं, तो फिर एक साल इंतजार करना पड़ेगा इस चीज़ का ना? हाँ ये तो है। अच्छा, इंतजार का फल मीठा होता है? हाँ बहुत मीठा होता है, हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं उत्सव का कि जब भी होगा तो इसमें एंजॉय करेंगे। और पूरा ग्रुप यहाँ आता है, तमाम लोग यहाँ पे मिलती है महिलाएं हर स्तर की, चाहे वो टीचर हो, कोई प्रोफेशनल हो, या कोई अधिकारी हो, या डॉक्टर हो, जिस भी फील्ड के महिलाएं, वो सभी यहाँ सबसे गेट टुगेदर हो जाता है, सबके अनुभव शेयर हो जाते हैं, सबके आते मिलजुल के एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ बन जाता है। सेल्फी पॉइंट बने, दो दो सेल्फी पॉइंट बने, पहली बार इस तरह का प्रयोग हुआ है। कितनी सेल्फियाँ ली आपने? अभी तो एंजॉय कर रहे हैं, पहले एंजॉय सेल्फी लेने के मौके बहुत आते हैं, एंजॉय करने का इस तरह का मौका थोड़ा कम मिलता है। अच्छा, ये जो सेल्फी का प्रयोग किया गया है उसको क्या मानते हैं, ये बदलाव नया एक आया है? हाँ, ये महिलाओं में थोड़ा सेल्फी का क्रेज ज्यादा है, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ नारी शक्ति संस्थान के कार्यक्रमों में सेल्फी जमकर ली जाती है, भीड़ में
ज़्यादा परेशानी हो जाती है, इसलिए एक कान में बना दी सेल्फी अच्छे से आ जाए। इसीलिए सेल्फी अच्छे से आ जाए, इसीलिए पूनम तिवारी ने यह अलग से व्यवस्था की। मैम, नवरात्रों का ये पर्व चल रहा है, माँ दुर्गा की आराधना हो रही है, और इस मौसम में मतलब ये जो पर्व है, त्यौहार, हमारी जो भारतीय परंपरा है, वैदिक रीति रिवाज है जो हम सदियों से मनाते चले आए हैं, उसमें गुजरात का गरबा डांडिया आजमगढ़ के लिए कितना मायने? देखिए, जैसा कि हमारी हमेशा से परंपरा रही है, जो हमारा भारत देश है वो विविधताओं में एकता का देश रहा है, हर जगह अलग अलग कल्चर है, लेकिन अब इस विविधता में जो एकता है वो इतनी प्रगाढ़ होती जा रही है कि हर क्षेत्र में आप मुंबई में जाएंगे तो आपको वहाँ भी गरबा देखने को मिलेगा, और आप आजमगढ़ में आएंगे तो आपको गणेश उत्सव देखने को मिलेगा, हर हिस्से में लगभग, हाँ लगभग हर जगह, और सारी संस्कृतियाँ मिक्स हो रही है, तो लोग हर संस्कृति को, हर रिवाज को, हर त्यौहार को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से, वरना इतना ट्रेंड नहीं था पहले डांडिया वंडिया का, लेकिन पिछले 10 सालों से यहाँ पे मतलब नारी शक्ति संस्थान, संस्थान के लिए क्या कहेंगे, आप खुद उसमें जुड़ी हुई हैं, काम करती हैं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने संगठन के बारे में? नारी शक्ति संस्थान बहुत ही तेजी से आगे उभरता हुआ एक संस्थान है, बहुत निचले स्तर से शुरू करके पिछले 10 सालों से आप देखेंगे बहुत आगे तक गया है, आज लगभग 500-700 मेंबर से ज़्यादा अभी भी मेंबरशिप लेने के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि वो लोग मेंबरशिप ले सके, क्योंकि इतने काम किए जाते हैं हर क्षेत्र में, जहाँ जितनी कोशिश करें जितना अधिक सहयोग किया जा सके, तो उससे एक महिलाओं के अंदर तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो सामाजिक सरोकार रखना शुरू कर देती हैं, जब आप एक सामाजिक संस्था में आते हैं तो समाज से भी आपका सरोकार होता है, सामाजिक समस्याओं से भी आपका सरोकार होता है, तो एक घर गृहस्थी की समस्याओं से निकल के, और वो मुझे लगता है कि एक सामाजिक सोच का दायरा उनका बढ़ता है और उसके लिए कुछ आगे करने के लिए वो लोग अग्रसर होती हैं। तो देखा आपने, हमने बातचीत किया, एक बार फिर से राहुल दिखाएं, दाहिनी तरफ से आपके, आपकी तरफ से बाएं पड़ेगा, आ रहे हैं, इसी तरफ आ रहे हैं, इस तरफ से आप दिखाएं एक बार, तेजी से कैमरा मूव करें, थोड़ा देखें बच्चियां यहां पे किस तरह से अपनी तैयारी करें, अपनी बारी का इंतजार हो रहा है, और महिलाएं हैं एकदम बिल्कुल भारतीय जो हमारे पारंपरिक परिधान है उसमें पूरी तरह से सुसज्जित होकर के हमारी बच्चियाँ, हमारी महिलाएँ यहाँ पे गरबा के और डांडिया महोत्सव में आई हुई हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको सेल्फी पॉइंट, आप एक बच्ची को देख भी रहे होंगे किस तरह से जो स्टिक होती डांडिया स्टिक उसको लेकर के वो सेल्फी निकाल रही हैं। शशि जी हैं, कुछ बात कर रहा, कुछ कह रहे थे आप? इन्होंने कहा कि मुझे भी दिखाइए, अब बताइए थोड़ा सा कुछ बताई दीजिए, कैसा लग रहा है आपको? मुझे इतना अच्छा लगता है कि हम बस स्टैंड से वापस आए हैं। अच्छा? बस छोड़ के आ गए, क्या डांडिया होने वाला मेरे यहाँ। अच्छा, पहले पता नहीं था? पहले पता था, जा रहे थे, लेकिन लगा कि नहीं जाना चाहिए, वापस आ जाना। एक साल पूरा मिस करते हैं, मिस कर देते, इसलिए वापस आ गए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, हम लोग हर साल इसका इंतजार करते हैं, जैसा कि हम लोग बताएं मेरी फ्रेंड ने कि प्लान कैंसिल करके आए, हम लोग साथ में अपने सारा फ्रेंड्स ग्रुप आया है यहाँ पर। तो आप लोगों को लगा कि ये मौका अगर निकल गया तो पूरा एक साल हमारा वेस्ट हो जाएगा? जी, अपनी फैमिली से दूर रह के यहाँ पे हम लोग रहते हैं, और एक तरह का गेट टुगेदर होता है जहाँ पे हम लोग को लगता है कि हम लोग की फैमिली फिर इकट्ठा हो रही है और हम लोग फिर से एंजॉय करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, हमारा देश उत्सवों का देश है, हमारा देश परंपराओं का देश है, हमारा देश त्योहारों का, पर्वों का देश है। भारत में तरह तरह के त्यौहार, तरह तरह की परंपराएं हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, पूरे दिल से मनाते हैं, और यही हम सभी भारतीयों की असली पहचान भी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे महिलाएं, बच्चियाँ अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर के, कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं डांडिया की, तो लोग अलग अलग चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये है आजमगढ़, जो पूरी तरह से आपको बता दूँ कि संस्कृतियों का आजमगढ़ है, पूरी तरह से विविधताओं का, जैसे हमारे देश के बारे में कहा जाता वैसे हमारे आजमगढ़ की भी संस्कृति कुछ ऐसी है कि हम तमाम जो अलग अलग जो विषमताएँ होती हैं, जो असमानताएँ होती हैं, जो विभिन्नताएँ होती हैं, उसको अंदर हम समेटे रहते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। हम आगे और भी आपको इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो दिखाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, आप ऐसे बने रहिए हमारे साथ सीआईबी न्यूज़ पर। शुक्रिया। सीआईबी न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।